वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत डिस्कशन हम अच्छी करने वाले हैं उस पर। और उसके लिए हमारे साथ हमारी रेगुलर मेहमान जो है मौजूद हैं, डॉक्टर शवाना मुफ्ती, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्स भी देती हैं साइकोलॉजिकली आपको किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो भी बताती हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर शवाना, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं और आप? मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी खुद बहुत अच्छी अच्छी बातें जब आपको सुबह सुबह और आप जब अपना कैथारसिस भी कर सकें, अपनी चीजें रिलेट करके आप सवाल कर ले तो मजेदार हो जाता है। जबरदस्त। डॉक्टर शवाना, आज हम बात करेंगे ओवरऑल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात की जाए तो बहुत ज्यादा तनाजे और इस तरह की चीजें हमें देखने में आती है, खिंचाव नजर आता है आजकल बहुत ज्यादा, क्या वजूहत है? अमला, खाली हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी का तनाव और आपस में उनके तनाजात क्यों, हर रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो बेसिक ह्यूमन साइंसेज अगर आप समझ लेना कि इसके पीछे वजह क्या है, तो वो आप बेसिक साइंसेज जो हैं, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर की कि कोई कुछ करता है तो क्यों करता है, कोई गुस्से हो रहा है तो क्यों गुस्से हो रहा है, कोई आके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सारी चीज़ें कि ये इंसान मेरे से लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है, बॉस मुझे रोज दलील करता है तो क्यों करता है, सास मेरे साथ जो है ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। तो खाली मियाँ बीवी नहीं, हर रिलेशनशिप के अंदर जो हर इंसान जो है उसका इमोशन, उसका रवैया किसी ना किसी वजह से होता है, और उसके पीछे अगर आप वो साइंस समझ लें तो देखें किसी भी इंसान के बाहर बैरूनी अनासिर होते हैं और उसके बाद होता है अंदरूनी अनासिर। बैरूनी अनासिर जो होते हैं कभी कभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें थर्ड पार्टी आ जाती है, सास हो गए, बहन भाई, नंद हो गई, कोई बाहर के लोग हो गए जो कि आपको रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद माली हैसियत हो गई आपकी, अब जो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, काम कर लें, कभी कभी आपकी तनख्वाह ज्यादा नहीं हो सकती और घर में उसकी वजह से तनाव रहता है, तो ये तो बैरूनी हो गए। जो अंदरूनी अनासिर है ना, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर आप अंदरूनी अनासिर कंट्रोल करके वो बेसिक साइंसेज जो हैं वो अप्लाई करें हर रिलेशनशिप पे, तो वो खूबसूरत हो जाएगा। अंदरूनी अनासिर बेसिकली है अच्छा क्या? अब वो हैं क्या, आप ये देखें कि इंसान की ना ये पूरा रिलेशनशिप जो होता है या पूरा इमोशन या रवैया, उसके पीछे चार नीड्स होती हैं, बेसिक बुनियादी नीड्स जो इंसान की होती हैं रिलेशनशिप की, वो होती हैं जी। पहली नीड होती है तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ में ये होता है कि अगर मुझे पता हो कि ये छत मेरे ऊपर गिर जाएगी तो मैं इसके नीचे नहीं बैठूंगी ना। इस तरह ये आदमी अगर ये चाहता है कि जी मेरी बीवी थिक हो, थिन हो, गुर्बत हो, अमीरी हो, मेरे साथ दे, औरत चाहती है मैं मोटी हो जाऊँ बच्चों के याद, पतली हो जाऊँ, जैसी मर्जी मेरी अपीयरेंस हो, आदमी मुझे हमेशा मोहब्बत करता रहे, बच्चे ये चाह सकते हैं मेरा ग्रेड अच्छा आए बुरा आए, हमेशा माँ बाप मुझे सेल्फलेसली मोहब्बत करें। तो ये पहली नीड जो होती है रिलेशनशिप्स की, वो होती है जी तहफ़्फ़ुज़। हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। दूसरी नीड आ जाती है जी अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब होता है वैरायटी। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि रोज अगर आप चिकन खा रहे हैं तो उसके बाद कहते नहीं अब मैं सब्जी खा लूं, तो वैरायटी चाहिए होती है इंसान को, ये बेसिक नीड है। अब उसमें ये आ जाता है कि बेसिक नीड आप पॉजिटिव तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, आप नेगेटिव तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव तरीका ये हो सकता है जी कि आप मियाँ बीवी प्लान कर लें कि हम वेकेशन कर लें जाके, मियाँ बीवी कहें चलो जी आज मूवी देख लेते हैं, मियाँ बीवी कहें जी कि चलो ट्रैवलिंग कर लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, नई नई पार्टीज कर लें, दोस्त बना लें नए नए। और नेगेटिव ये हो सकता है जी कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें, या नेगेटिव ये हो सकता है कि जब बहुत पैसा आ जाता है कभी कभी आप ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं फॉर वैरायटी से। तो जो भी चीज़ अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आती है या वैरायटी लेके आती है जो रूटीन से हटके होती है, वो उसे कहते हैं जी वैरायटी। बिल्कुल, ठीक है, वो एक बेसिक नीड है। तीसरी नीड आप ये कह लो जी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। हर बंदे उसको आप वैलिडेशन भी कह सकते हो, अप्रिसिएशन भी कह सकते हो, कोई भी ऐसी चीज हर इंसान चाहता है जी मैं इंपॉर्टेंट हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी औरत हमारी इज्जत नहीं करती, हमें कमतरी का जो है वो एहसास दिलाती रहती है। तो ये सारी चीजें जो होती है, एक आदमी जो है इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, औरत को जो इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, बॉस इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, आपकी सास चाहती है कि जी अथॉरिटी चैलेंज मुझे ना हो। तो हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है जिसे कहते हैं अहमियत, वो इंपॉर्टेंट फील करना चाहते हैं। उसके बाद ये बड़ी बेसिक नीड होती है लव एंड अफेक्शन। जब बच्चा पैदा होता है तो लव एंड अफेक्शन, शफकत, लव एंड अफेक्शन। हीर रांझा वाली जो है वो खाली रोमांस की बात नहीं मैं कर रही, कनेक्शन जिसे हम कहते हैं मेंटल कनेक्शन, कि मुझे ये इंसान समझ रहा है, इसके साथ ही और शी इज गेटिंग मी, इसके साथ मेरा एक इमोशनल, एक मेंटल कनेक्शन है, इसको मेरी बातों की समझ आती है। तो ये चारों जो नीड्स है ना, अगर आप ये समझ लें कि ये इंसान कोई रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है, मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक औरत अपने सर पे पट्टी बांध के रखती है, उसको बड़ा डिप्रेशन होता है, मियाँ घर आता है, वो कहता है मैं जब भी घर जाता हूँ बीवी कोई ना कोई कंप्लेन कर रही होती है, कोई ना कोई। तो आप देखें कि उसका ये रवैया क्यों है,
उसके रवैये के पीछे देखें, जब वो पट्टी बांध लेती है तो आप उसे आके पूछते हैं ठीक हो बर्तन मैं धो दूं, वो अटेंशन सीकर है। तो उसको यहाँ उसकी कौन सी बेसिक नीड मीट हो रही है, उसकी बेसिक नीड हो रही है जी वो इम्पोर्टेंट फील कर रही है ना, अब उसको अहमियत मिल रही है। बच्चे आके उसे पूछेंगे मामा ठीक हो, कोई मसला तो नहीं है, तो अब उसको लव एंड अफेक्शन भी मिल रहा है, थोड़ी सी उसको वैरायटी भी मिल रही है रूटीन से हटके, तो उसकी तीन नीड्स तो यही मीट हो गई ना। तो जब किसी की दो नीड्स मीट होती है तो अगला जो उसका मीट कर रहा होता है, अगर आप मेरी नीड मीट करती हो दो नीड्स तो आप मेरे नजदीक आ जाओगे, सही। अगर आप तीन करोगे तो आपकी और मेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी और अगर आप चार की चार नीड्स मीट कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में तो आप उसके यू विल बी योर स्लेव, आप उसके गर्विदा हो जाओगे। तो ये सारी चीजें अगर आप समझ लें कि मेरा हस्बैंड अगर कोई बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है और मैंने उसकी कौन सी ऐसी जरूरत है जो उसको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही और वो मैंने पूरी करनी है, आपके रिलेशनशिप सारे ना सिर्फ मियां बीवी सास ससुर बहन भाई माँ बाप बेटा जितने भी हैं वो सब स्ट्रांग हो सकते हैं। ये है कि नॉलेज हो सकता है लेकिन उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक हो गया। आशवाना अभी आप बात कर रही थी कि मियां बीवी का आपस बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें थर्ड पार्टी हम इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपकी फैमिली लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व होते हैं और वहां पर जो नेगेटिविटी समटाइम्स आप उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं, तो उनको ओवरकम किस तरह से किया जाए। देखिए बात ये नहीं होती कि आप मुश्तरका सिस्टम में रह रहे हो या आप एक अलग रह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। बात ये होती है कि मैंने और आपने एक ब्लू प्रिंट बना लिया, मैंने एक रोड मैप बना लिया अपनी जिंदगी का नक्शा। अब मैंने ये सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी इस नक्शे के मुताबिक चलानी है, मेरा एक ब्लूप्रिंट है, मेरी उससे तवक्कोआत है। अब अगर वो मेरी तवक्कोआत पूरी नहीं होंगी ना तो मैं ना खुश रहूंगी। अब अगर लड़की ने ये सोचा कि मैंने जाके रहना है मुश्तरका फैमिली में, वहां उसके बड़े फवायद हैं कि अगर मैं अपना बच्चा छोड़ सकती हूँ माँ बाप के पास और अपने हस्बैंड के साथ मैं डेट पे जा सकती हूँ, मुझे वेकेशन पे जा सकती हूँ, मुझे मुलाजमा के पास बच्चा नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो वो खुश रह सकती है क्योंकि उसने उसकी तवक्कोआत चाहिए थी। अब दूसरी तरफ एक लड़की जिसने ये सोचा कि मैंने मुश्तरका फैमिली में नहीं रहना, मुझे तो अपना घर चाहिए था, मुझे तो अपनी अथॉरिटी चाहिए, मुझे कोई चैलेंज ना करे, मुझे किचन में कोई ना कहे, मुझे कोई पूछने वाला ना हो सुबह, और वो इसी चीज को ये समझेगी कि ज्यादा लोग जो घर में है वो उसको इंटरफेयर कर रहे हैं उसके रिलेशनशिप को। बात वही है लेकिन अब उसके रिलेशनशिप को क्योंकि उसकी तवक्कोआत डिफरेंट थी तो वो ना खुश रहेगी। इस तरह से एक लड़की ये सोच सकती है कि जी नए वाले घर में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई हाथ बटा देता है, कोई दही दूध ले आता है, पैसे जो है सारे मिलके हम कंट्रीब्यूट करके घर चला सकते हैं। दूसरी लड़की ये सोच सकती है कि मेरा मियां कमाता है और 10 मुंह खाने वाले होते हैं। तो जो आपकी तवक्कोआत होती है ना वो जब पूरी नहीं होती जो आपने सोचा होता है तो वो फिर आप ना खुश रहते हैं। फायदे मुश्तरका खानदान के जो हैं बहुत ज्यादा हैं लेकिन अगर आपको वो फायदे नजर नहीं आ रहे और आपकी तवक्कोआत है कि आपने अलग से रहना है तो आपको कोई भी फायदा नहीं नजर आएगा। एग्जैक्टली, फिर तो सारी चीजें नेगेटिव। हाँ, दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग। आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका रोड मैप क्या है और आपकी तवक्कोआत क्या है। तो आप नाखुश तभी होते हैं जब आपकी तवक्कोआत वो ना हो। लेकिन नॉर्मली अशवाना हमारे यहाँ आजकल के दौर में अगर कोई इंडिपेंडेंट ऑलरेडी रह रहा है तो उसकी कोशिश होती है कि आगे भी वो इंडिपेंडेंट ही रहे, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी घरेलू जिंदगी में, इवन किचन में किसी की इंटरफेरेंस ना हो। ये सोच सही है किसी हद तक या गलत है ये सोच? तो फिर अगेन देखिए, हम जब किसी को बताते हैं तो ये नहीं बता सकते कल्चर को देखते हुए, वहाँ के हालात को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल माली हालात देखते हुए और जो आपका ब्रॉटअप हुआ है। बिल्कुल। अगर आपको बहुत इंडिपेंडेंट स्ट्रांग माइंडेड है तो आप कभी भी उसमें खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप एक बड़े फ्लेक्सिबल हैं और आपको अच्छे फवायद नजर आ रहे हैं और हमारे कल्चर में तो मुश्तरका खानदान ज्यादा है और माँ बाप की ट्रेनिंग भी यही है कि बच्चा तुमने जाके एडजस्ट होना है, फ्लेक्सिबल होना है, तो वो खुश रहेगी। तो ये तो है कि आपका ब्रॉटअप के मल्टीपल फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। कहीं भी एक जगह रहने के या उसके अगेंस्ट रहने, जिस तरह से भी रह लो, ये तो आपके ऊपर है कि आप कितने एडजस्ट करते हो, कितने फ्लेक्सिबल हो, आप सोचते क्या हो। और कभी कभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि पिछली जनरेशन जो करती आई, जरूरी नहीं है कि आप उसी सांचे में ढल जाओ। और ये भी कभी कभी होता है कि माँ बाप ने कहा कि तुमने जो है अलग जाके रहना है, वो भी जरूरी नहीं है। अब जाके आप अपने हालात देखें, अपनी बातें, अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन देखें, अपना सारे सूरत हालात देखें, माली और तमाम सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, फिर आप हो सकता है कि ये फैसला करें कि नहीं, मैंने तो ज्वाइंट में रहना है, मेरी माँ ने तो कहा था कि अलग घर ले लो या जो सोच के आई थी वैसा नहीं। तो अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। ठीक हो गया, तभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।